तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका न्यू गेम प्ले वीडियो में। आज हम खेलने वाले हैं पुलिस सिमुलेटर और आज हम बने हैं एक पुलिस वाले और सारा शहर जो है हमारे कंट्रोल में होने वाला है और आज हम पकड़ने वाले हैं बहुत सारे चोरों को और गाड़ियां जो कि बहुत सारा जो है पॉल्यूशन करती है उनका चालान काटेंगे, जो गलत पार्क्ड है उनको भी हम पकड़ने वाले हैं। तो चलो फटाफट से चलते हैं गेम प्ले में। जो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे हमें गेम में मिलता है वो आता है प्लेयर सिलेक्ट करने का। तो सबसे पहले हम जो है सिलेक्ट करने वाले हैं जेंडर, मेल अपने जेंडर होने वाला है और नोवा एज जॉन्स है क्योंकि ये बंदा सिंगल है, इसको अपनी वाइफ का फोन नहीं आएगा ड्यूटी पे। चलो फटाफट से चलते हैं गेम प्ले में। तो अभी हमने जो है जेंडर जो है मेल रखा है और बंदा थोड़ा सा खतरनाक दिखने वाला है। आप देख सकते हैं इसका नाम है नोवा एज जॉन्स और हमें जो एरिया मिला है वो मिला है मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो हमें एक हैंडबुक भी दे रखी है जिससे हम जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि हमारा पहला दिन है। All right guys, तो अभी हम आ चुके हैं हमारे ऑफिस में, तो हमें जो है अभी बाहर निकलना है रोड पे और हमें पता चलेगा कि वहां पे क्या क्या चीजें हो रही है। किसी ने गाड़ी अपनी गलत पार्क तो नहीं करी है, किसी ने जो है यहाँ पे कुछ अपना दंगा तो नहीं करा है, कोई बंदा लड़ तो नहीं रहा है किसी से। ओके, तो भाग के हम जाते हैं रोड पे। तो फाइनली गाइस हम बाहर आ चुके हैं, तो शायद से बहुत ही बढ़िया शहर लग रहा है। तो हमारे पुलिस स्टेशन का नाम है ब्राइटन पुलिस। ओके, तो ये शायद से कोई फॉरेन कंट्री, लाइक यहाँ पे यूएस का जो है झंडा लगा हुआ है, तो फ्लैग यहाँ पे यूएस का लगा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, तो हमारा जो है फोकस, अच्छा फोकस भी कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी का जो है लाइसेंस प्लेट एक्सपायर हो चुकी है। तो अभी इसकी जो है अगस्त 2020 पे पड़ी है, अभी इसका है थोड़ा टाइम है इसमें। तो अभी इसका आप देख सकते हैं कि शायद इसकी एक्सपायर हो चुकी है। ओ भाई साहब, इसकी तो एक्सपायर है। तो अभी इसमें जो है इसमें हम जो है चालान काट सकते हैं, इसका जो है नंबर प्लेट, हाँ एक्सपायर लाइसेंस प्लेट। तो अभी इसका लाइसेंस जो है एक्सपायर हो चुका था पर इस वो फिर भी गाड़ी चला रहा था। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 10 जो है प्लस हो चुके हैं। तो अगर हम गलत कोई चीज करेंगे तो हमारी सीपी यानी कि पेनल्टी पड़ेगी हमें, और अगर हम सही कोई चीज जैसे चालान काटेंगे, किसी चोर को पकड़ेंगे, तो हमारा उसी हिसाब से जो है हमारा एसपी होगा जिससे हमें जो है रैंक पुश मिलेगा। गाड़ी गलत खड़ी है क्योंकि ये साइन है ना इधर, इसको इधर होना चाहिए। तो जहाँ पे ये स्पोर्ट्स गाड़ी, गाड़ी तो मस्त है पर बढ़िया है, चलो नंबर प्लेट भी सही है इसकी। अरे भाई मार दिया, ओ भाई शिफ्ट ओवर हो चुकी है। तो एक दिन की शिफ्ट तो हमारी ओवर हो चुकी है जिसमें हमने एक चालान काटा था, पर अब नेक्स्ट डे हमारा आ चुका है, अब सेकंड शिफ्ट है हमारी और यहाँ पे हमने ज्यादा से ज्यादा जो है एसपी गेन करनी है ताकि जो है हमारा लेवल बढ़ पाए। तो फाइनली हम सेकंड शिफ्ट में आ चुके हैं क्योंकि हम हमारे यार गाड़ी मार दी थी किसी ने। ओ चलो कोई बात नहीं, अभी उस बंदे को तो पकड़ के हमने जेल में डलवा दिया है, पर हमारे बंदे की हालत थोड़ी सी खस्ता हो गई थी। ये देखो ये ट्रेसपास, ये देखो क्या कर रहा है बंदा, इसको रोकता हूँ मैं। आए रुक, तू भाई सीधा जा रहा है, हद हो गई यार, सीधा जे वॉकिंग का चलान कटेगा तेरा। हाँ, इसकी टिकट काट दी हमने, चल भी निकल यहाँ से, आईडी दिखा, हद हो गई। हाँ हद हो गई यार, बाइक फोन कान पे लगाया हुआ है और निकल रहा है, भाई क्या हो रहा है। गन परमिट नहीं है इसका, ठीक है बाकी चीजें ठीक है, इसको डिटेन करूंगा मैं कि जे वॉकिंग जो तूने करी है। हाँ जे वॉकिंग, हाँ ओ भाई सीधा मुकर रहा है बंदा, सीधा मुकर रहा है भाई बंदा, ये सीधा मुकर रहा है, ये बोल रहा है कि हाँ अभी मैंने जे वॉकिंग करी नहीं है, जबकि ये फोन कान पे लगा के सीधा सड़क क्रॉस कर रहा था। भाई बड़े बदतमीज बंदे हैं यार, निकल यहाँ से, निकलो। 20 काट लिया भाई मेरा यार, हद हो गई भाई। वो जे वॉकिंग करके जा रहा था, वो बंदा भाग रहा था वहां से और वो फोन चला रहा था साथ साथ में, यार ऐसे थोड़ी होता है। मेरा मेरी पेनल्टीज क्यों लगा रहे हैं ये, पागल है क्या गेम वाले, हद हो गई यार। मतलब मुझे पुलिस ऑफिसर बनाया किस काम का है, अगर बंदों को पकड़ना ही नहीं है, मैं किसी से इंक्वायरी नहीं कर सकता है, और मैं करूं तो करूं क्या, जाए तो जाऊं का, हद हो गई यार। 9:30 सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हैं मेरे, ऐसे पेनल्टीज लगा रहे हैं, यहाँ पे बंदे बैठे होते हैं भाई ड्रग्स बेचने वाले। जो बंदा थोड़ा खतरनाक लग रहा होगा ना उसको पकड़ेंगे, नहीं ये तो ठीक लग रहा है बंदा,
हमारा तो भाई बंदा भी खतरनाक है, अगर कोई मिला ना उसको मार देगा साथ के साथ और जेल में डाल देगा, थप्पड़ मारेगा उसके। और गाड़ियां ये देखो यार कैसे गाड़ी पार्क करते हैं यार, मेरे को पता चल गया था दूर से, हद हो गई यार, गाड़ी पार्क करनी नहीं आती है इनको, रॉन्ग डायरेक्ट ऑन साइड वॉक, साइड वॉक के ऊपर पार्क कर रखी है यार। थोड़ा आप भी ध्यान रखो, अगर आप गेम देख रहे हो ना तो थोड़ी सी आप लोग नॉलेज मिल रही है कि ऐसे जो है, ये देखो इसका एक टायर ऊपर है, ये देखो एक टायर ऊपर है ना, एक टायर इसके ऊपर है, तो ये वॉकिंग एरिया होता है, यहाँ पे हम गाड़ी अपनी पार्क नहीं कर सकते हैं यार। समझते क्यों नहीं है लोग, पता नहीं क्या चक्कर है, गलत गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं, बाद में चलने वालों को दिक्कत आती है, गलत है यार ये। एक गेम बढ़िया है, इससे हमें नॉलेज भी मिल रही है और गेम में मजा भी आ रहा है भाई। हमारा बंदा पूरा ऐसे चौड़ में चल रहा है, पुलिस स्टेशन ऊपर भी क्या है, ऊपर जाके देखते हैं कि शायद से कोई यहाँ पे, नहीं ऊपर नहीं जा सकते हैं हम, सॉरी, तो यहाँ से हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, तो शायद से किसी का जो एक्सपायर हुआ होगा ना। ये देखो यार कैसे कैसे लोग हैं यार, ये गाड़ी भी दोबारा देख लो ऊपर खड़ी है और इसका शीशा भी टूटा हुआ है, बंदे को चलानी नहीं आती है भाई, इससे साफ पता चल रहा है, शीशा देखो भाई पूरा पूरा जो है टूटा हुआ है, हद हो गई यार। इसके नंबर प्लेट देखो क्या, बंदा इररिस्पॉन्सिबल, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बंदे हैं यार। ये देखो शायद से ये गाड़ी भी ऊपर है, नहीं ये ऊपर गाड़ी नहीं है, और ये लाइसेंस प्लेट जो है इसकी वैलिड है, कोई इशू नहीं है, ये गाड़ी सही है, ये भी सही है। लाइसेंस प्लेट पे का भी पूरा हमें ध्यान देना है ताकि हम देख सकें ये गाड़ी का, नहीं ये सही है। ये देखो ये पार्किंग मीटर एक्सपायर हो रखा है, बंदा फिर भी अपने पार्किंग में लगा के जा रहा है, इसके भी चलान कटेगा, पार्किंग मीटर एक्सपायर्ड, ओके, तो इसका भी चलान बनता है, तो हमने इसका भी चलान काट दिया है, तो आज तो बढ़िया चल रहा है। हमारे जो है 40 पॉइंट जो है ऑलरेडी प्लस हो चुके हैं, हमें काफी सारे पॉइंट इकट्ठे करने पड़ेंगे ताकि हम जो है नेक्स्ट लेवल पे जा पाए, और हम जो है यहाँ से उठ के एक पेट्रोलियम गाड़ी मिलेगी हमें जिसपे हम जो है पेट्रोल करने जाएंगे भाई, पूरे शहर में मजा आ जाएगा। और यहाँ पे बंदे आपस में कोई डील ना कर ले हो, अगर कोई डील करता पकड़ा गया ना भाई, उसको ड्रग की वॉयलेशन में जो है ना अंदर डाल देंगे जेल में, ये भी वैलिड है। और ये गाड़ी ये खस्ता जी लग रही है गाड़ी, ये पुरानी गाड़ी लग रही है, नहीं गाड़ी ये भी ठीक है। और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, अगर मैंने किसी को भी पकड़ा ना और वो बंदा गलत निकला तो उसको साथ के साथ करंट लगा के ना वहीं पे पेल देंगे, और उसके बाद पुलिस वाले आ जाएंगे और उसे उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा भी ट्रैफिक पुलिस का काम है, मतलब हम कंट्रोल कर रहे हैं सारा। अभी एरिया बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अगर हमें कोई भी बंदा मिलता है जो कि गिल्टी है, या कोई बंदा चोर है, या कुछ ऐसा कैरी कर रहा है जो कैरी करना इलीगल है, तो उसको हम साथ के साथ जेल में डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो है साइकिल वगैरह खड़े हुए हैं थोड़े बहुत, ये सब बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारा बड़ा एरिया है गाड़ियों का, और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि शायद यहाँ पे कोई स्मोकिंग कर रही है क्या, स्मोकिंग कर रही है, नहीं स्मोकिंग तो नहीं कर रही, अरे भाई रेड लाइट ओ भाई साहब मैंने रेड लाइट खुद तोड़ दी है, बंदा देख, नहीं ये सही जा रहा है, क्योंकि अभी तो रेड लाइट है ना तो गाड़ियां रुकी हुई हैं, तो पार्किंग लाइट मतलब ये उठा सकता है इसका फायदा, कोई चक्कर नहीं है। ये भी 21 है, और यहाँ पे एक और स्पोर्ट्स गाड़ी खड़ी है, तो इसका लाइसेंस नंबर जो है मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि स्पोर्ट्स गाड़ियां वाले भाई बंदे खतरनाक होते हैं, मेरे को पता था यार ये एक्सपायर्ड निकलेगा, ये एक्सपायर्ड निकली ना भाई, स्पोर्ट्स गाड़ियां ले लेते हैं और उसके बाद देखो नंबर प्लेट एक्सपायर्ड लगा रखी है, हद हो गई यार, थोड़ा ध्यान रखे ना बंदा यार, इतनी महंगी तुम गाड़ी चला रहे हो। ये देखो हमारा पॉइंट प्लस हो गए, हद हो गई यार भाई, बंदे समझते नहीं है यार, थोड़ा सा कोई बात नहीं, जब चलान देखेंगे तो इसको पता चलेगा, मेरे भी घर पे चलान आ गए थे एक बार भाई 2,000 रुपये का, क्या करे भाई क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी अब कितने चलान भरेगा, चलान काट देंगे जो बंदे यहाँ पे लग रहे हैं कि हाँ भी डील कर रहे हैं, ये बंदे मुझे थोड़े खतरनाक लग रहे हैं, इनसे बात करता हूँ, हाँ भी चेक करो, इनको चेक करता हूँ भाई, ये हेडफोन वेडफोन लगा के आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पे ना, इसके पास तो कुछ ना है, तू खड़ा हो जा बेटे, हाँ ओके, तो शायद इससे कुछ मिलेगा, नहीं यूएसबी ड्राइव वॉलेट है, निकल, अभी मेरे को अपनी जो है शिफ्ट ओवर करनी है, तो
तो अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा जो हमारे ऑफिस में वापस जाना पड़ेगा ताकि मैं अपनी शिफ्ट जो है क्लोज कर दूं। ओके गाइस, तो फाइनली जो है हमारी शिफ्ट ओवर हो चुके हैं और काफी गाड़ियों का हमने चालान भी काटा, काफी बंदों की आईडी भी चेक करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर देना। GTA 5 की वीडियो अगर आपको और चाहिए, अगर आपने GTA 5 की पहली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके देख लो, मजा आने वाला है उसमें भी। अगर और वीडियो चाहिए तो आप मेरे को टॉपिक जो है कमेंट करके बता सकते हो, उसपे भी आपको वीडियो मैं बना के दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।